तेज तर्रार, ईमानदार और कर्मठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन। इन्हें आपने कई बार देखा सत्ता के गलियारों में, अखबारों की सुर्खियों में, टेलीविजन चैनलों पर। चैनल डिवाइड करते हैं, सिर्फ एक इश्यू पर बोलते हैं। अगर इस देश में कोई मुसलमान मुसलमान के इश्यू पर बोलेगा और सिर्फ हिंदू हिंदू के इश्यू पर बोलेगा तो इस देश का क्या होगा? कभी संसद में जोरदार बहस करते हुए आजादी के 52 साल बीते अखिलेश के लिए चर्चा हुई न पहले के अंदर देखने देते फिर आज अखिलेश क्यों पिछड़ा पिछड़ा क्यों? आज मुसलमान जरा सहना ये कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, आपने इतना मजबूत क्यों नहीं बनाया 50 साल में 52 साल में आपने 47 साल से आपने संसद को इतना मजबूत होता क्या संसद इस देश में कहीं जरा सहना नहीं होता? आपने 47 साल में उसकी हालत क्या की? बेबाकी से अपनी बात किशनगंज की बात रखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी का एक लौटा मुस्लिम सांसद हूँ, इसलिए कई लोगों की नजरों में बहुत लपकता हो पा सकती है। कई लोगों को यह लगता है कि जब हम इधर आरोप लगाते हैं तो यहाँ शाहनवाज जब खड़ा होता है तो उनकी भार कमजोर हो जाती है उपाध्यक्ष महोदय। मैं कहीं पर कलेक्टर नहीं हूँ उपाध्यक्ष महोदय, मैं इलेक्ट होकर आया हूँ और जहाँ 7,10,000 मुस्लिम मतदाता होते रहते हैं वहाँ से चुनाव जीत कर आया हूँ। निष्पक्ष चेहरे पर अद्भुत तेज के साथ लेकिन जहां आपने इन्हें सबसे ज्यादा देखा वो है बिहार के पूर्वी सीमांत संसदीय क्षेत्र किशनगंज में। हमने काम करने का काम, मुख्यमंत्री योजना चलाते हैं, सारी योजना अटल बिहारी वाजपेयी के तहत की योजना, एक भी बिहार सरकार की योजना नहीं, कोई शिक्षक तरफ की जरूरत नहीं है, सड़कों के बारे में कोई सवाल आप किसी नेता से मत पूछिए, सड़क तो आपकी किस्मत में अटल बिहारी वाजपेयी ने ही की है। 1,000 की आबादी के गांव को पक्की सड़क से जोड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जी हाँ, कभी किशनगंज के गांवों में गलियों में पगडंडियों पर हर जगह अपने चहेते यानी किशनगंज के लोगों से बात करते हुए उनका दुख दर्द बांटते हुए किशनगंज के विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हुए वो कभी किशनगंज के लोगों की आवाज बुलंद करते हुए ये सब सिर्फ इसलिए कि जिसने सबसे ज्यादा इन्हें प्यार दिया वो है किशनगंज। एकदम की ना हो जो जिसने सबसे ज्यादा इन पर भरोसा किया वो है किशनगंज, जिसने पहली बार उन्हें अपना सांसद बनाकर सिर आंखों पर बिठाया, अपना सरकार बनाया वो भी है किशनगंज। इतना प्यार विश्वास सम्मान जो दे उसे भला कौन भूल सकता है? तो आपके भैया शाहनवाज भी नहीं भूले,
एक सोच ही काफी है हवाओं का भी रुख बदलने के लिए। ऐसी एक सोच ने किशनगंज की हवाओं का भी रुख बदला और 5 सालों में वो कर दिखाया जो 55 सालों में भी पुराने सांसद नहीं कर पाए। वो सोच किसी और की नहीं बल्कि किशनगंज के यानी आपके माननीय सांसद सैयद शाह नवाज हुसैन की थी। किशनगंज के लोगों को याद आएगा यही रूम ढांचा का मैदान है जहां पर मैंने कहा था किशनगंज के लोगों आप ये रूम ढांचा मैदान देखो मेरे पुराने कैसेट को आप निकाल कर सुनो। इसी माइक से मैंने कहा था कि आने वाले 3-4 सालों में किशनगंज की तस्वीर बदल दूंगा। मैंने कहा था किशनगंज की तस्वीर बदल दूंगा। मैंने कहा था यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। और सचमुच सैयद शाहनवाज हुसैन ने 5 सालों में किशनगंज की तस्वीर बदल दी। 5 सालों में ही वो सड़क रेल पुल शिक्षा प्रचार प्रसार यानी किशनगंज के बहुमुखी विकास के सूत्रधार बन गए। यहाँ जो है एकदम जंगल था जंगल लेकिन जब से ही शाहनवाज जीता है तब तो यहाँ चमका दिया इलाका को चमका दिया। जगह जगह पुल जगह जगह रोड एकदम आदमी को चलने में इतना सुविधा हो गया कि अनेकों मदरसाओं का जीर्णोद्धार कर दिया अनेक माध्यमिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार कर दिया। जो उनकी घोषणाएं हैं तब से इस शहर का इस क्षेत्र का कुछ हम लोग तरक्की देखे हैं। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ जो उसे संघ के मंत्री के रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अक्टूबर 1999 सैयद शाहनवाज हुसैन किशनगंज के सांसद और फिर केंद्र सरकार में मंत्री बने। तब किशनगंज के अधिकतर इलाकों में सड़कों की हालत जर्जर थी इतनी कि बीमार अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ते गाड़ियां कुछ सालों में ही जवाब दे दें यानी सड़क नहीं तो व्यापार नहीं व्यापार नहीं तो तंगी बदहाली बेकारी सब कुछ सिर्फ खराब सड़कों के कारण। लेकिन सांसद बनते ही सैयद शाहनवाज हुसैन ने सड़कों की हालत सुधारने की ठान ली और आज किशनगंज की सैकड़ों सड़कों की हालत दिल्ली की सड़कों से भी बेहतर है। ये है किशनगंज जिले के बीचों बीच गुजरने वाली बेहतरीन 4-लेन सड़क और ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना की करोड़ों की लागत से बनने वाली बिल्कुल नई सड़क। सड़क चाहे बीच किशनगंज शहर की हो या दूर दराज के गांवों की काम जितना भी हुआ सब शानदार। बीमार पड़ जाता था उनको बाहर ले जाने के लिए या बाथरूम तक पहुंचाने के लिए बहुत हम लोग दिक्कत के साथ हम लोग को पहुंचना पड़ता था। कोई साधन नहीं था तो अभी ऐसा साधन हो गया है तो 12 बजे रात को भी हम लोग गाड़ी से जा सकते हैं आना जाना कर सकते हैं। बन जाने से तो समझ जाए कि जन्नत नसीब हो गया। ये सरकार जो है हमका ये रोड बना दिया ना बहुत सुविधा कर दिया जाने आने में। राजधानी नहीं विकास नहीं विकास किशनगंज में हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना है कि गांव में भी पक्की सड़क देंगे। पीडब्ल्यूडी की सड़क टूटी हो सकती है लेकिन दिलवा से छगड़िया जाने वाली सड़क दिलवा से पुठिया जाने वाली सड़क ऐसी सड़क होगी कि अगर आप गाड़ी में चले और आपकी नींद खुल जाए तो समझिए कि बिहार सरकार की सड़क है और गाड़ी में चलते हुए आंख लग जाए और आराम से आप सोते हुए जाए
इन 5 सालों में शाहनवाज हुसैन ने कुल 390 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सड़कें किशनगंज को दी। इनमें शामिल है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरण में 11 करोड़ की कुल 35 किलोमीटर लंबी सड़कें, सेंट्रल रोड फंड से 3 करोड़ की ठाकुरगंज बहादुरगंज कलकलिया की सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से NH-31 पर 1 अरब 60 करोड़ की 4 लेन सड़कें, गृह मंत्रालय की 28 करोड़ की ज्योति हाट से फतेहपुर तक की सड़कें, रक्षा मंत्रालय की संस्था BRO यानी सीमा सड़क संगठन की तरफ से 1 अरब 10 करोड़ की 135 किलोमीटर लंबी कुआरी ठाकुरगंज से नेपाल सीमा तक की सड़कें, और सीमा सड़क संगठन से ही एक और बैरगाछी सिक्की के बीच डिफेंस रोड की स्वीकृति। ये सारे काम इसी कार्यकाल में पूरे हुए हैं। डिफेंस रोड की स्वीकृति की घोषणा देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने किशनगंज जाकर की। बनाना है वो संकल्प था, और वो संकल्प को पूरा करने के लिए आज जो पहला कदम उठा है, और ये काम अभी लेकिन सबसे खास तो रही आज ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से कुल 320 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 65 करोड़ के एक स्पेशल पैकेज की घोषणा। किशनगंज की काया पलट कर देने वाली स्पेशल पैकेज की घोषणा ग्रामीण विकास मंत्री श्री काशीराम राणा ने खुद की। ये किशनगंज एरिया के लिए चाहे ब्लॉक हो चाहे पूरा एरिया हो, आज 350 किलोमीटर का पक्की सड़क बनाने का हमने उसको मंजूरी दी। काशीराम राणा जी ने किशनगंज विधानसभा में 33 किलोमीटर, बहादुरगंज विधानसभा में 29.5 किलोमीटर, और ठाकुरगंज विधानसभा में 56.5 किलोमीटर, 56.5 है, उसके बाद हमारे 70 किलोमीटर, 74 किलोमीटर, और जो कि हाथ में 47 किलोमीटर सर्कल की। इनके अलावा सांसद मत से भी 4 करोड़ रुपए खर्च कर शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई सड़कों का निर्माण और मरम्मत कराई गई। सालमाज बहुत जब से आया यहाँ रोड चमका दिया, आदमी की बहुत सुविधा करा दिया, हर काम को सुविधा करा दिया वो सालमाज ने। सड़कों के बाद अब बात पुलों की। 5 सालों में सैयद शाहनवाज हुसैन ने किशनगंज में पुलों का भी जाल बिछा दिया। 1 करोड़ का लोधाबाड़ी स्क्रू पाइप ब्रिज, 20 लाख का अर्थिया पुल, 35 लाख का डोमरा कुंड पुल, 40 लाख का मुंगराधार पुल और 25 लाख का खखुआ पुल, ये सब किशनगंज के लोगों की बरसों की मांग थी। जितना ही वादा किया है सारा जी, उतना ही वादा मतलब पूरा जा रहा है। इस पुल से तकरीबन 150 गांव को फायदा हुआ। हम लोग बहुत दिन से बहुत मिनिस्टर को बोले, बहुत एमपी को बोले, लेकिन इस बार जो शाहनवाज आए हैं तो उनसे हम लोग बहुत अनुरोध किए हैं, तो ये ब्रिज बनवा दिया तो हम लोग का बहुत भलाई हो रहा है। ये मंगल वोट मिले उल्टा दिया, सड़क का दिया, वहाँ बनिया, वहाँ कर देना, सब मिला है उससे। इसके अलावा किशनगंज शहर में रेलवे लाइन के ऊपर ओवर ब्रिज का भी निर्माण पूरा होने वाला है। ये रेलवे पुल ट्रैफिक जाम और दूसरी कई समस्याओं से किशनगंज के लोगों को हमेशा के लिए निजात दिला देगा। ये योजना हो जाने से अब ट्रैफिक जाम नहीं होगी, और एक्सीडेंट भी बहुत होती थी, एक्सीडेंट भी नहीं होगी, इसलिए बहुत फायदेमंद योजना है। लेकिन पुलों के मामले में सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि रही 2 हिस्सों में बटे किशनगंज संसदीय क्षेत्र को जोड़ देने वाले, सैकड़ों गांवों के घंटों के सफर को काफी कम कर देने वाले बैसा घाट पुल की मंजूरी। बैसा घाट पुल के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 9 करोड़ 80 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। लोगों को जितना तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, 100 रुपया 200 रुपया भाड़ा दे के जाना पड़ रहा है, वो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। सड़क और पुलों के बाद रेलवे सुविधाओं की बेहतरी में भी किशनगंज आज किसी से पीछे नहीं है।
ये हैं 45 साल की श्रीमती संतोष शर्मा। इनके चेहरे पर दिल्ली से किशनगंज तक पहली बार अकेले सफर करने की खुशी आप भी देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें ये खुशी किसने दी? जी हाँ, आपके सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन ने। किशनगंज में राजधानी ट्रेन का स्टॉपेज दिलाकर तो कटियार जाके बैठना पड़ता था क्या उधर? हम नीतीश जी के कमरे में गए और हमने कहा, नीतीश जी आज मैं आपके रूम से, आपके चैम्बर से तभी उठूंगा जब आप राजधानी का स्टॉपेज किशनगंज लिखकर हमको ये कागज देंगे। इसे प्रधानमंत्री जी के प्रिय पात्र है, इसलिए प्रधानमंत्री जी वाला राजधानी रुक गया। अब अपने राज्य की राजधानी से होकर के जो राजधानी जाती है वो अभी नहीं रुका, तो आज आए हैं जश्न के मौके पर, तो इस मुबारक मौके पर इस बात की मैं घोषणा करता हूं कि पटना होकर के जो राजधानी जाती है वह भी किशनगंज में सलामी बजाते जाएगा, चाहते जाएगा। और राजधानी ट्रेन ही क्यों, शाहनवाज हुसैन ने और भी कई रेलगाड़ी स्टॉपेज किशनगंज आए थे। सरेघाट एक्सप्रेस, कंचन कन्या एक्सप्रेस और उत्तर बंगा एक्सप्रेस भी अब किशनगंज में रुकने लगी है। शाहनवाज हुसैन किशनगंज की वर्षों पुरानी मांग पूरी करते हुए कटिहार दानापुर कैपिटल एक्सप्रेस को भी कटिहार से खींचकर किशनगंज ले आए। कैपिटल होने से पहले हम लोग को पटना जाने में बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ से कटिहार जाते थे फिर यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ के जाते। अब ये हो गया कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट पटना जा सकते हैं। नवाज हुसैन की बदौलत आज किशनगंज को और भी ऐतिहासिक उपलब्धियां मिली है। किशनगंज रेलवे स्टेशन को एक मॉडल रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। किशनगंज में देश के पहले पक्का रोधी रक्षा कवच की शुरुआत हुई। प्लेटफॉर्म एक और दो के बीच 2 करोड़ रुपए की लागत से एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू हो चुका है। किशनगंज रेलवे स्टेशन में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र और इंक्वायरी सिस्टम कार्यरत है। और सबसे ऐतिहासिक 12 घंटे के रिकॉर्ड समय में ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर भी एक और कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र शुरू करा दिया गया। कंप्यूटर आने से एक क्लैरिटी आ गई है, पहले जब टिकट बुक कराते थे ये नहीं पता चलता था कि हमें सीट मिलेगी या नहीं, सिर्फ एक बात पता थी कि S10 में जाके तो वहाँ जाके बैठना है और वो वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। बट जब से ऑटोमेशन हुआ है तब से डेफिनेटली इट्स अ वेरी 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 गुड सर्विस। सूचना और दूर संचार तंत्र भी विकास की महत्वपूर्ण कड़ी होती है और सैयद शाहनवाज हुसैन इन कामों को भी नजरअंदाज नहीं किया। किशनगंज में दूरदर्शन रिले केंद्र की स्थापना सालों के इंतजार के बाद शाहनवाज हुसैन ने ही की और हाल ही में किशनगंज में एक लो बैंड FM रेडियो चैनल की शुरुआत के लिए भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से स्वीकृति करा ली है। शाहनवाज हुसैन जी टीवी सेंटर खोल दिए हैं, उनके वजह से हमारा देहात में जो है बिना एंटेना का भी अभी टीवी चल चुके हैं। तत्कालीन संचार मंत्री के सहयोग से इन्होंने टेलीफोन सुविधाओं की बेहतरी के लिए भी कई सफल प्रयास किए। शाहनवाज जी की बदौलत आज टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। हजारों टेलीफोन लाइन्स जनता के लिए खुल गई और कनेक्शन मिलना आसान हो गया। WLA मोबाइल की रेंज बढ़ गई और तो और जरूरत से कम टेलीफोन कनेक्शन होने के बावजूद किशनगंज में क्षेत्रीय TDM कार्यालय खुलवा दिया गया। TDM कार्यालय खुलने से किशनगंज संसदीय क्षेत्र में टेलीफोन सर्विस काफी सुधर गई है। बिजली सेंटर दिए हैं मोबाइल की फैसिलिटी, गाँव में लोगों को काफी राहत है। पहले हम लोग जाते थे
किसी के घर पर फोन था, वो रात को घर नहीं खोलते थे। अब तो बटन दबाता हूँ, दिल्ली कलकत्ता सभी जगह बात करता हूँ। इन वजहों से बहादुरगंज, पलासी और सिक्टी में भी इतनी जल्दी दूरभाष केंद्र की शुरुआत संभव हो पाई। और पहली बार उन्होंने वहाँ से घंटी बजाई और पहला फोन सिक्टी एक्सचेंज का उठाने वाले देश में रक्षा मंत्री चौंक बना दिया। यही नहीं, शाहनवाज हुसैन के समय में किशनगंज के लोगों को मनोरंजन, खेलकूद, शिक्षा, प्रचार प्रसार के क्षेत्रों के भी सैकड़ों उपहार मिले। किशनगंज जैसे दूर दराज इलाके में भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत खेल प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत, 25 लाख की लागत से खगरा में भव्य स्टेडियम का निर्माण और तकरीबन 5.5 लाख की लागत से किशनगंज में खिलाड़ियों के लिए मुफ्त रहने खाने की व्यवस्था के साथ एक छात्रावास का निर्माण, ये सब माननीय सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए किशनगंज को फायदा पहुंचाया। किशनगंज का आने वाला भविष्य भी सुंदर और खुशहाल हो, इसके लिए भी आपके सांसद ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है एक ही दिन में किशनगंज के दो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र यानी केंद्रीय विद्यालय के भवनों का उद्घाटन और नवोदय विद्यालय के भवनों का शिलान्यास। बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आएगी, ऐसी बिल्डिंग आपको किशनगंज में देखने को कम मिलती। गांव के लोगों को मैं बधाई देता हूं। 12 करोड़ की लागत से रेलवे का जो ऑर्गेनाइजेशन है, राइट किसको बनाएगा। शाहनवाज हुसैन ने नवोदय विद्यालय का शिलान्यास किशनगंज शहर में नहीं बल्कि दूर दराज के मुठहारा गांव में किया। इसके पीछे भी उनकी एक बेहतरीन सोच है। किशनगंज को डेवलप करना है, किशनगंज को सिर्फ 100 मीटर की परिधि में नहीं रखकर इसको पूरा फैलाना है। और यहाँ पर वातावरण बहुत अच्छा है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा है और बच्चे रहेंगे क्योंकि उनको पढ़ाई के लिए वो स्थान चाहिए जहाँ पर शांति हो, पीस हो। इसके अलावा उर्दू भाषी छात्र छात्राओं के लिए दो कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जहाँ हर साल 60 छात्र कंप्यूटर की डिग्री लेकर रोजगार के योग्य बन रहे हैं। पहले नहीं था तो इसके सीखने की बहुत फैसिलिटी थी कि इसको छुए, इसको सीखे, क्या माउस होता है, क्या सीपीयू होता है, क्या मॉनिटर होता है, क्या कीबोर्ड होता है, इसको सीखने की क्यूरियोसिटी थी। अब जब आ गया है तो मन बहलते रहता है, कभी ये करो कभी वो करो। यहाँ शाहनवाज जी के प्रयासों से खुले नेहरू युवा केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय भी किशनगंज और आसपास के 12 जिलों के लिए बड़ा तोहफा है। ये केंद्र 100 बेरोजगार युवकों के लिए 1000 रुपए मासिक आय का जरिया तो होगी, साथ ही केंद्र के खर्चे से कई कुटीर उद्योग प्रशिक्षण शिविर, शिक्षा प्रचार प्रसार के काम या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। देखा क्या फायदा, मैं अभी 2 मिनट लगते हैं पाकिस्तान को मिलता है।
फर्क क्या पड़ता है? कभी जिंदगी बांध ली उनसे मिलने मैं तो उसको ऊपर लेता हूँ जो 24 घंटे छाती भर बैठे मरता बच्चा तो वो जो लुड़ाई के खिलाफ नहीं सकते मैं कभी लुड़ाई के पीछे नहीं चली लुड़ाई वहां चलती थी तो मैं 500 कदम पीछे चलता था किसी को पता ही नहीं और कोशिश ये करता था किसी और की लुड़ाई जा रही है तो उससे आगे हो रही ताकि लोग कहने वाला बात जो है आगे किसी को क्या मालूम मेरी कौन सी समाज में तो इज्जत शाहनवाज जी के प्रयासों से किशनगंज में छोटे बड़े हजारों काम और हुए जिन पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। किशनगंज में 50 से भी ज्यादा स्कूलों के भवन तकरीबन 35 मदरसों के भवन किशनगंज थाना में पुलिस नियंत्रण कक्ष का निर्माण डकैती और लूटपाट से प्रभावित खारू दल में पुलिस कैंप और उनके रहने के लिए भवन की व्यवस्था मौजा बाड़ी स्मशान घाट पर विश्राम घर का निर्माण दर्जन भर सामुदायिक भवन स्पीड पोस्ट सेवा और इंटरनेट की शुरुआत अररिया ठाकुरगंज और किशनगंज शहर में बड़े टावर लाइट की व्यवस्था किशनगंज अररिया और पलासी बस स्टैंड पर शौचालय की व्यवस्था 2 करोड़ का यूथ हॉस्टल 3.25 करोड़ की कोठिया में बंजर भूमि विकास परियोजना 5 करोड़ की लागत से NH31 पर एक आपातकालीन चिकित्सा सुविधा यानी ट्रॉमा सेंटर और न जाने क्या क्या शाहनवाज हुसैन ने इन 5 सालों में ही किशनगंज को दे दिए हैं। अपने बिहार में 3 ट्रॉमा सेंटर दिया है और तीसरा शाहनवाज हुसैन के काम के रफ्तार की मिसाल उनके विकास पुरुष होने की पहचान तो ये है लोकसभा के अपने आखिरी मंत्रालय यानी कपड़ा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने किशनगंज के लोगों को करोड़ों का तोहफा दे डाला किशनगंज में 15 करोड़ की लागत से बनने वाली जूट में आने वाले दिनों में किशनगंज की तकदीर समा देगी सबको बहुत बड़ी खुशी की लहर हुआ कि भाई शाहनवाज साहब ने बहुत बड़ा कमाल दिखाया है यहाँ बहुत मजदूर और खटे के जूट मिल से बहुत लाभदायक है लोगों ने कहा ये काम ही नहीं होगा जूट मिल नहीं है जूट मिल आज देखिए उसकी बाउंड्री शुरू हो गई बाउंड्री का काम पूरा हुआ उसके आपके सामने अब वहाँ शेड बन रहा है रूम लगेगा और हजारों नौजवान को रोजगार मिलेगा मैं कोई बड़ी उम्र का नेता नहीं हूँ 75-80 साल का जो बोल रू और बाद में नजर न इसके अलावा किशनगंज में राष्ट्रीय स्तर की हस्तशिल्प और हथकरघा प्रदर्शनी लगाना अमौर और पलासी में जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जूट क्रय केंद्र खोले सेंट्रल सेट बोर्ड द्वारा मलबरी और सेरी कल्चर विकास परियोजना की शुरुआत रोटा और किशनगंज में जूट सर्विस केंद्र की स्थापना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 12 ग्रामीण इलाकों में जूट से कई घरेलू सामान बनाने की कला सिखाने वाले जूट प्रशिक्षण केंद्र खोले और किशनगंज में रेशम उत्पादक सैकड़ों किसानों के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाकर 5-5 और 10-10 हजार रूपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 10 लाख से भी ज्यादा रकम के चेक पार्ट देना ये सब किशनगंज के लोगों के लिए कितना बड़ा तोहफा है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हम लड़कियों के लिए इतना अच्छा मौका मिला है हर तरह की सुविधा सीखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है शाहनवाज जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इतना अच्छा मौका दिए सीखने के लिए शाहनवाज हुसैन का सबसे बड़ा कमाल तो है किशनगंज में राष्ट्रीय स्तर के कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना सेलम कानपुर जोधपुर और गुवाहाटी के बाद हैंडलूम्स की शिक्षा देने वाला देश का ये 5वां संस्थान किशनगंज में खुला है और इसी साल से यहाँ पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी
जब तक ये सरगमी रहेगी हिंदुस्तान हटेगा नहीं, क्योंकि मैं इसको सैंक्शन कर गया। और करें तो सांसद दो से पांच सालों में किशनगंज के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से मात्र 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन इन 5 सालों में किशनगंज में सड़क, पुल, स्कूलों के भवन, स्टेडियम इत्यादि पर खर्च की जाने वाली रकम 900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आखिर ये कमाल किसका है? जी हाँ, उन्हीं शाहनवाज हुसैन का, जिन्हें लोग युवा नेता कहते हैं। ये जो बोले हैं उसको इसने जमीन में उतारा है, इसी से ये पिछले सांसद से ये अलग है। कैसे अलग है? बहुत जमीन का फर्क हो गया है, बहुत फर्क है। बगैर मांगना वोट उसको मिलेगा, क्या समझते हैं आप? बगैर मांगना वोट मिलेगा उसको एक बार, समझे? इससे ज्यादा क्या कहेंगे? हम लोग तो लोकल आप में है, फिर भी अंधार और दिल में जो हम लोग का है बैठा हुआ, हम तो वही समझते हैं। ये तो है शाहनवाज हुसैन के विकास पूर्वी हकीकत, लेकिन शाहनवाज हुसैन के व्यक्तित्व का एक और पहलू भी है, जो नहीं गरीब असहाय और बीमारों की मदद के लिए प्रेरित करता रहता है। ये है कुड़ीदानी गांव का रहने वाला खंडालाल शर्मा। किस्मत ने इसके साथ बड़ी मेहनत साबित की, हंसने खेलने की उम्र में गुर्दे में जान दुबा सूराख दे दिया। डॉक्टरों ने इलाज का खर्च बताया 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा, लेकिन जहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती हो वहां इलाज का खर्च कहां से आता? मंत्री मेरा भगवान है जी, अगर हमको मंत्री बनना नहीं करता तो हम कैसे बचते? सब मेरा भगवान मंत्री जी है। तिघरिया इलाके का आदमी पैसा कमाने के लिए बीवी बच्चों को छोड़कर दिल्ली गया, लेकिन एक भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्घटना में पैर तो टूटे ही, जान की चोट मिली थी। वो नहीं रहता तो उसका दिक्कत होता, वो रहा तो उसको जिंदा जिंदा रहा, वही मेरा सब कुछ है। भगवान का भला तो दुनिया में बहुत कुछ कर लेते, दुनिया भी अब बढ़ के हम लोग का। कुंज के सभी प्रखंडों में ऐसे सैकड़ों लोग जिनको शाहनवाज हुसैन की सहायता से दोबारा जिंदगी मिली। कुछ नहीं काम करते, बहुत ऐसे नहीं कर रहा है, मैं आज तक नहीं हुआ इलाज किसी का भी। आपकी रोशनी 90% चली गई थी, 10% बची हुई थी। यहाँ के डॉक्टर ने रेफर कर दिए कि दिल्ली लेके जाओ, तो मैं गया मंत्री जी से कहा, मंत्री जी ने मेरे को इलाज करवाया। पहले तो उन्होंने बीमारों का बढ़िया से बढ़िया इलाज कराया और दुर्भाग्यवश कोई बच न पाया, या कोई किसी हादसे में जान गंवा बैठा तो मृतकों के शवों को किशनगंज में उनके परिवारों तक ही पहुंचाया, ताकि परिवार के लोग अपने सगे संबंधियों को आखिरी नजर देख सके, उनका अंतिम संस्कार कर सके। तो उनका सहायता मिला जो आज या कहां से, जब इतना दूर का बात है, इतना पैसा भी तो चाहिए, कुछ नहीं बोले हैं, कुछ तो होगा। नहीं पहुँचाने वाला था, क्योंकि शाहनवाज पहुँचाया। अच्छा कहने में उससे बुरा देखा नहीं है, वो हर काम में किसी काम में पीछे नहीं हुआ है, हर काम में वो मतलब मदद किया है और मददगार है, रहेगा। संविधान में या एक सांसद के लिए तय किए गए कर्तव्यों में कहीं नहीं लिखा कि एक सांसद को गरीबों या जरूरतमंदों को निजी मदद देने जैसे भी काम करने चाहिए, लेकिन आपके सांसद के मन को ऐसे कामों से काफी सुकून मिलता है। ये है 3 मोतीलाल मार्ग स्थित आपके सांसद का दिल्ली निवास, लेकिन इस जगह पर भी उन्होंने एक मिनी हॉस्पिटल खोलकर उसे किशनगंज के लोगों की सेवा में लगा दिया है। यहाँ से हजारों लोग अपना इलाज करा चुके हैं और आज भी कईयों का इलाज चल रहा है। बढ़िया से बढ़िया डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट, दवा और इलाज का खर्च, रहने खाने की व्यवस्था,
गंभीर मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराने जैसे सब काम यहाँ होते हैं। किशनगंज के कई लोगों को इलाज के लिए 50,000 रुपए से लेकर लाख लाख रुपए तक की रकम प्रधानमंत्री राहत कोष से शाहनवाज हुसैन ने दिलाई है। टोटल खर्चा हमको उम्मीद है कि 40-50 हजार से कम नहीं होगा। हाँ, पर हाँ 50 हजार से ऊपर होगा कम। सब मंत्री जी करवाया है, खाने पीने की व्यवस्था भी दिया हमको, दवाई भी व्यवस्था दिया, ओढ़ना दिया, कपड़ा दिया, हर चीज दिया। किशनगंज के सभी प्रखंडों में नसीमा खातून मेमोरियल ट्रस्ट तहत शाहनवाज द्वारा मुहैया कराई गई 7 एम्बुलेंस बीमार बूढ़े बच्चे या गर्भवती महिलाओं की सेवा में दिन रात जुटी रहती है। ये तो हमको कोहिनूर का टुकड़ा मिला, ऐसा कमाओ बेटा हम लोगों को 13 में से 14 मांगा। 13 तो कोई काम का ही नहीं। उन्होंने कभी भी अपनी जमीन के लिए, अपने जिले के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। मुझे फक्र है कि हमारे जमीन को हमारे किचन में ऐसे लोग। शाहनवाज हुसैन की सहायता से आज सैकड़ों बेरोजगार युवकों को नौकरी, गरीबों को मुफ्त गैस कूपन और बेटियों की शादी में जरूरतमंद पिता को मदद मिली है। सच तो ये है कि किशनगंज का कोई नहीं, उनका हवाला है शाहनवाज। ऐसा कहने वाले आज किशनगंज में कई हैं। चौदह साल का अतीत, 40 साल के सुभान और 70 साल के हाशिम के जीवन को विकलांगता ने लाचार कर दिया था, लेकिन शाहनवाज हुसैन ने इन सबको रिक्शा बांधकर एक नई जिंदगी दी है। बहुत तकलीफ होती थी, पैदल जाते जाते पैदल हो जाता था, और हम पढ़ने भी जाते हैं। एक हुई बेबस और लाचार इंसानों की बात, लेकिन भले चंगे इंसानों के लिए भी शाहनवाज ने जो कर दिखाया वो कोई और कर नहीं पाया। ये है मोहम्मद नेहरू साहब। आज शाहनवाज की बदौलत परिवार में, गांव में इनकी इज्जत काफी बढ़ गई है। बच्चे बुजुर्ग सभी इन्हें अब हाजी कहकर इज्जत से पेश आते हैं। जब कभी भी हम लोग नमाज में होते थे तो दुआ में कहते थे कि इलाही मक्का का सैर करा दे, इलाही दीदारे मुस्तफा करा दे। तो अल्लाह ने सुना और अल्लाह जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब के दिलो दिमाग में ये बात दी। हज के लिए भेजा, अपनी तरफ से पूरी खर्चा दिया, यहाँ तक कि किशनगंज से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके मक्का तक, यहाँ तक कि हज करा के लाए। और मेरा नाम हाजी इस्लामुद्दीन अजलू कह रहे हैं। शाहनवाज हुसैन किशनगंज के 100 और लोगों को भी हर साल बाबा धाम के तीर्थ पर भेज के रहे और इस तरह इन लोगों की मंशा पूरी की। बोलबम की जाते समय में हजारों लड़कियों को जो जाना चाहते थे बाबा धाम तीर्थ यात्रा करने के लिए, वहां भी लोगों ने उनको भेजा। कहते हैं ईश्वर या खुदा जब चाहता है तो किसी भी सच्चे नेक दिल इंसान को जरिया बनाकर वो अपने बंदे को इबादत के लिए बुला लेता है। किशनगंज के भी कई लोगों को अपने दरबार में बुलाने के लिए उसने शाहनवाज हुसैन को जरिया बनाया। सच तो यह है कि शाहनवाज हुसैन पर अब सिर्फ किशनगंज को ही नहीं पूरे देश को भरोसा है। तभी उन्हें सांसद से राज्यमंत्री, राज्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट मंत्री के बाद सरकार के 9 रत्नों में गिना जाने लगा है। लेकिन विरोधियों ने शाहनवाज हुसैन को यानी विकास की इस आग को भी बुझाने की पूरी कोशिश की। इन्होंने जब किशनगंज को विकास का मंत्र दिया तो इनके ऊपर जानलेवा हमले कर दिए, चलती गाड़ी में टक्कर मारकर इनकी जान लेने की कोशिश की। जब इन्होंने राजधानी ट्रेन रुकवाई
इसका जवाब उस दिन किशनगंज शहर में गोलियों की बौछार से किया। और अब तो रैली से लौटने वाले आम कार्यकर्ताओं पर भी घात लगाकर शर्मनाक तरीके से हमले किए जाने लगे हैं। अब फैसला आपको करना है कि किशनगंज की बागडोर किसे देनी है, किशनगंज का विकास रोक देने वाले को या दिल से ईमानदारी से काम करने वाले को, इसे विकास की कर्मभूमि बनाने वाले को। अंतिम जय का वज बनाने, अंतिम जय का वज बनाने, नव धरी की हड्डियां कराए, आओ फिर से दिया। घेरने के लिए नीति जरूरत होती है, खेतों को भी अच्छी फसल देने के लिए पानी की जरूरत होती है, शाहनवाज को भी जरूरत है। और सोच समझ कर दीजिए। जो चाहो किशनगंज की तकदीर संवारना, जो चाहो विकास की रफ्तार को कायम रखना, तो भैया शाहनवाज को जिताना न भूलना।